खशियत इलाही में डूबा हुआ शख्स, कितना खौफ खुदा। जो मुहद्दिसीन इकराम ने आपके हालात में लिखे कि आप वजू करते ना चेहरे का रंग बदल जाता था, खौफ खुदा इतना तारी होता। और ये खौफ खुदा ऐब नहीं होता, यह आलुल्लाह की शान हुआ करती है कि मैं उस हाकिम जितना खौफ खुदा। और ये भी बताता चलूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूं। क्योंकि जितनी मार्फत इलाही है, जितनी रब की शानों को देखता है, जितना उसका इल्म बढ़ता जाता है, उतना दिल में खौफ बढ़ता जाता है। और ये खौफ इलाही इतना बड़ा एजाज है, जिस दिल में आ जाए वो दिल फिर जहन्नम में नहीं जाता, अल्लाह से जन्नत की राह दिखाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है ना, एक शख्स था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालबन मुस्लिम शरीफ में भी है लेकिन मेरे जहन में बुखारी के वो अल्फाज हैं, कि सारी जिंदगी ऐब करता रहा, जब आखिरी वक्त आया ना तो अपने अमाल जो बीत चुके थे नजर डाली, यार मैंने तो एक भी खैर का अमल नहीं किया। अब क़यामत पर भी ईमान है, रब के को कब्र में जवाब देने पर भी ईमान है, अमल क्या है, पल्ले में कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, काल रजुल लम यअमल खैरन कत्तो, उसने जो वसीयत की ना, रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं कि वो शख्स उसने वसीयत की जिसने कती तौर पर कोई खैर अमल नहीं किया था, यानी सारा जो नामा अमाल है स्याही स्याह था, उसमें कोई नेकी नहीं थी। लेकिन जब मरने लगा ना, औलाद को जमा किया, कहा बेटो मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक वसीयत करने लगा हूं, मेरी वसीयत पर अमल करना। कहा जी अब्बा जान क्या वसीयत है? कहा जिस दिन मेरी सांस निकल जाए ना, जिस टाइम मुझे लेकर कब्रिस्तान नहीं जाना, लकड़ियां जलाना, आग का लाओ रोशन करना, मेरी लाश को उसमें फेंक देना, और फिर जब लाश मेरी जल जाए खाक हो जाए तो खाक को भी एक जगह ना छोड़ना, आधी को पानी के हवाले कर देना, आधी को हवा में उड़ा देना। अब उसके जहन में रब ताला की कुदरत भी पूरी नहीं थी कि रब ताला की शान क्या है, वो सोच रहा था कि खाक बिखर जाएगी, मैं आधा, जहन में शायद ये होगा कि कब्र में पूरा जाऊंगा तो जवाब देना पड़ेगा, ना मेरा जिस्म रहेगा, ना हाथ रहेंगे, ना सर रहेंगे, रेजा रेजा बिखर जाएगा तो मैं बादपुर से बच जाऊंगा, मेरा वजूद ही जब मिट जाएगा तो रब ताला की शान का भी इल्म नहीं था कि रब की शान क्या है। ये आर्डर दिया, बच्चों ने आर्डर पर अमल किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फामर अल्लाह अल बहर फजामा माफी, वामर अल बर फजामा माफी, रब को हुक्म हुआ समुंदर को, खुश्की को, जितने जर्रात जमा हो गए, फिर वजूद मिल गया। रब ने फरमाया, ले मा फालता, कि सारी जिंदगी भी तू गुनाह करता रहा, ऐब करता रहा, मरते वक्त भी उल्टी वसीयत करके गया, ये वाली तूने क्यों की? उसने आगे से अर्ज़ किया, या अल्लाह पहले गुनाह कोई शहवत की वजह से हुए, कोई नाफरमानी की वजह से हुए, कहीं मैं बैग गया, सारे ऐब बयान किए, लेकिन ये जो आखिरी हुआ है ना, मिन खशियत का, ये मैं तेरे से डर गया था, मैं तुझे किस मुंह से सामना करूंगा, ये आखिरी जो ऐब किया है ना, हालांकि ये भी इतना ही उल्टा काम किया कि अपने आप को जलाने का हुक्म दिया, किसी शरीयत में जलाने का हुक्म नहीं था, दफनाने का ही था, मरते हुए भी उल्टा काम कर, लेकिन ये काम किया तो उल्टा है लेकिन खौफे खुदा में किया है। का अर्जी अल्लाह मिन खशियत का, और तू तो जानता है, अंता आलम हो, तेरे से तो कोई पोशीदा नहीं, कि मैं ये डर गया था तुझे जवाब क्या दूंगा। अल्लाह ने जब ये जवाब सुना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कहा इसे जन्नत से निकालो, जन्नत में इसकी मैंने बख्शिश कर दी, क्योंकि इसके दिल में कभी तो खशियत इलाही आई थी। तो जिसके दिल में लमा के लिए खशियत इलाही आए, उस पर रब इतना राजी होता है, जो हर रोज खशियत इलाही में तड़प उठता हो, अल्लाह के यहां उसका मकाम मर्तबा कितना आला होगा। आप फरमाते, मैं पूछा थे आपके मुसाहिब जो साथी होते थे इमाम, ये आपका रंग क्यों बदल जाता है, वुजू करते चेहरे की रानाई खत्म हो जाती है, रंग पीला पड़ जाए, वजह क्या है?
कहते तुम्हें पता नहीं मैं किसके दरबार में जाने लगा हूँ, मैं रब के सामने जाकर खड़ा होने लगा हूँ, तुम्हें इल्म ही नहीं है कि उसके लवाजमात क्या हैं।